अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें बाबा जी भी नमाज़ पढ़ के आए इस वक्त और ये छोटा बच्चा भी नमाज़ पढ़ के आया है। भाई जी तुसी चार चार बजे सुते रहिंदे हो, अल्लाह दे बंदे हो, नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? ताड़ी मेहरबानी, नमाज़ पढ़िया करो, नमाज़ ना बात। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। हेलो टप्पू के पापा। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। सुनिए मैंने आपके लिए शायरी बनाई है। हाँ तो ठीक है, गरम करके टिफिन में भेज देना। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन नहीं लेने का, पहुंचा दूंगा वहां तक, वापस आना तेरे काम है। तो ये सब ड्रामा क्यों? आपको बताएं कि 26 दिसंबर को सूरज को ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण पाकिस्तान में साल का पहला और आखिरी सूरज ग्रहण होगा, जबकि मुकम्मल सूरज ग्रहण का नजारा 20 साल के बाद पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। इसके बारे में जानते हैं जुनैर अलियास से। जुनैर अलियास बताइए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, 26 दिसंबर को जो सूरज ग्रहण लगने का कहा गया और महकमे मौसमियात की जानिब से ये वेरिफिकेशन कर दी गई है कि जो सूरज ग्रहण है ये पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। वैसे तो इस साल 4 जो सूरज ग्रहण हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये पहला सूरज ग्रहण है जो कि विजिबल होगा और पूरा जिसे कहा जा सकता है कि सूरज ग्रहण लगेगा। 20 साल बाद जो है पाकिस्तान में ये देखा जा सकता है। इससे कबल जो है 11 अगस्त को जो है 1999 में ये मंजर देखा गया था और इसका जो दुरानिया होगा वो तकरीबन 1 घंटा 7 मिनट का होगा। ठीक है जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका। केड़ी कुड़ी है? बोलेरी। केड़ा बोला? चूहा। के नारी कुड़िया नी तू, के नारी कुड़िया। बोलेरी कुड़िया पड़ी मेनू, बोलेरी कुड़िया। के नारी कुड़िया नी तू, के नारी कुड़िया। बोलेरी कुड़िया बोलेरी कुड़िया। केड़े भोले दी, केड़े भोले दी। चूहा दी। केड़ा चूहा? भोला चूहा।